कांग्रेस में कौन कैंडिडेट भेज रहा है बताइए तो, अजीत शर्मा ये कैंडिडेट जो भागलपुर पर पकड़ नहीं है, पैसे के बल पर चुनाव जीतते हैं। ये मैं तो कहूंगा पहले अपना मानसिक इलाज करवा लें, लेकिन उनकी मानसिक विविधता हो गई है। वो क्या बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा किसके बारे में बात कर रहे हैं, सूरज को आईना दिखाने की बात वो कर रहे हैं। कांग्रेस और राजद के बीच चल रहे सीट बंटवारे के मुद्दे पर जदयू विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 17 सीट जदयू को चाहिए, चाहे कोई नाराज हो रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नीतीश कुमार है तो सब नाराज, नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो सब खुश रहेंगे। उन्होंने कहा नाराजगी क्या 40 की 40 सीट कांग्रेस ले ले, क्या कांग्रेस 40 सीट जीत पाएगी? लालू जी के समय में गिनकर सीट कांग्रेस को दी जाती थी। वहीं भागलपुर सीट पर कांग्रेस के दावे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस भागवत जायदाद के समय से भागलपुर में समाप्त हो गई है, यहां कांग्रेस सीट नहीं निकाल पाएगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि उनकी पकड़ भागलपुर सीट पर नहीं है, पैसा देकर वो चुनाव जीतते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार भागलपुर में नहीं है। कांग्रेस का कहना 17 सीट तो जदयू का था ही, होना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। हम तो चाहेंगे 17 सीट जदयू को मिले। और एक बात है, कोई नाराज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार नहीं है सबका नाराजगी दूर, नीतीश कुमार है तो सबको नाराज करते हैं। अरे सीटवा किसने लेके बिहार का 40 से 40 सीट ले, नाराज क्या आते हो? दे दिया गया 40 सीट कांग्रेस को, क्या निकाल लेगा? वो सब बात नहीं है। हम देखे लालू जी के समय में कितना सीट देता था गिन गुत के। तो बात है जदयू बिहार में सर्वोपरि है, सबसे पार्टी बड़ी है, मुख्यमंत्री की सोच अजूबा है, सब बात है, वो अपना सोच विचार के चलते हैं। भागलपुर पर भी दावा ठोक रहा है कांग्रेस की, यहाँ से कांग्रेस जो कांग्रेस तो खत्म हुआ यहाँ से भागवत आजादी के टाइम से। कांग्रेस फांग्रेस विरोध नहीं करते हैं, यहाँ निकाल नहीं पाएगा सीट। कांग्रेस में कौन कैंडिडेट भेज रहा बताइए तो, अजीत शर्मा ये कैंडिडेट जो भागलपुर पर पकड़ नहीं है, पैसे के बल पर चुनाव जीतते हैं, कौन कैंडिडेट है कांग्रेस में बता दीजिए तो। कांग्रेस में भागलपुर में कोई कैंडिडेट नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान में है, यहाँ बिहार में नहीं है बड़ी पार्टी। बिहार में बड़ी पार्टी कांग्रेस नहीं है, यहाँ पर बड़ी पार्टी अगर है नीतीश कुमार है, जदयू है, आरजेडी है, ये बड़ी पार्टी। पूछ रहे हैं ये आदरणीय गोपाल मंडल जी विधायक जरूर है, जनता उनको चुनती है, लेकिन लगता है उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। उनको खुद पता है कि भागलपुर में मेरा जन समर्थन नहीं है, भागलपुर में 3 बार से विधायक हो और जनता मुझे चुनती है। जनता को मजाक में लेते हैं क्या? जनता सबसे शक्तिशाली होती है, और अगर उस तरह के बयान करते हैं तो उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन मैं तो कहूंगा पहले अपना मानसिक इलाज करवा लें, लेकिन उनकी मानसिक विविधता हो गई है। वो क्या बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा किसके बारे में बात कर रहे हैं, सूरज को आईना दिखाने की बात वो कर रहे हैं। अब मेरे अजीत शर्मा के बारे में उस तरह का बयान करेंगे, पैसे के बल पर जीतते हैं। मैं पैसा आज तक कोई ना लेता हूँ ना देता हूँ, कोई बता दे मैं कोई कमीशन पे दलाली करता हूँ, कोई भी माननीय मुख्यमंत्री भी जानते हैं इस बात को। मैं एक ऐसा विधायक अगर वो बयान देता है, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा नीतीश कुमार जी से, इस तरह का बयान मेरे बारे में दिए हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। मनोबल क्यों बढ़ा है? कार्रवाई उन पर नहीं होती, नीतीश कुमार पहले भी कर गए। मैं आग्रह कर रहा हूँ इस तरह का बयान देने का मतलब क्या है कि पैसे में जीत रहे हैं, कोई जनाधार नहीं है, ये कोई मतलब है? जनता किसी को वोट के विधायकों को जिताती है, सांसद को, जनता महान होती है। और आपको बता दें अगर इस तरह का बयान देंगे ये बिल्कुल उचित नहीं है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो है देश में बड़ी हो सकती है, बिहार में बड़ी नहीं है। भाई देश और बिहार क्या अलग होता है? बिहार देश का अंग है। अगर बिहार देश में कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो बड़ी पार्टी बिहार में भी है। ठीक है सीट हम लोग कम जीते हैं अलग बात है, लेकिन जनता फैसला करती है। और बता दें कांग्रेस को कोई आईना दिखाने का ये आदरणीय गोपाल मंडल जी विधायक कृपया न करें। कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष को आजाद कराने से लेकर जो विकास हुआ है, भारतवर्ष को आजाद कराया है, वो कांग्रेस पार्टी का देन है। कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम न करें। खड़गे साहब को भी लेकर फिर से बयान दिया है, क्या कहा? कोई पहचानता नहीं है उनको, क्यों बनाता चाहता है, किसकी बात आप करते हैं उम्मीदवार? भाई मेरे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का मतलब समझते हैं वो?
इस तरह का बयान देते, इसलिए मैं कह रहा माननीय मुख्यमंत्री जी को, अगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बारे में ऐसा बयान उन्होंने दिया है उसको आप पार्टी से निष्कासित करिए। इस तरह बयान वो कैसे दे सकते हैं? खड़गे साहब कौन है नहीं जानता है? खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है जदयू के, वह भी बैठक में जाते हैं और खड़गे साहब को जानते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इस तरह का बयान करना कोई भी एक विधायक किया है गोपाल मंडल जी, उसमें माननीय नीतीश कुमार जी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।